किसी भी सिटी को अच्छे से जानने के लिए उस सिटी का स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये कोई फैंसी रेस्टोरेंट नहीं जो आपको गूगल मैप में आसानी से मिल जाए। बेस्ट ऑफ स्ट्रीट फूड आपको लोगों से पूछ के और घूम घूम के ही मिलता है। ट्रस्ट मी, इस प्रोसेस में आप उस सिटी और वहाँ के लोगों को और अच्छे से समझ पाते हैं, जिससे खाने की एक्साइटमेंट और जायका और बढ़ जाता है। सो आज के इस एपिसोड में मैं भुवनेश्वर के दो बेस्ट एंड मस्ट विजिट फूड स्ट्रीट को एक्सप्लोर करूंगी, जो है किट रोड खाऊ गली और शाहिद नगर खाऊ गली। वैसे भुवनेश्वर में और भी स्ट्रीट फूड ट्रेजर्स है, बट उन्हें हम आने वाले एपिसोड्स में एक्सप्लोर करेंगे। फूड फैम हैव आस्क्ड मी टू गो टू पाटिया रोड टू ईट स्ट्रीट फूड। यहाँ तो जंगल ही जंगल है। फूड फैम, आप लोगों के लिए देखो क्या क्या करना पड़ रहा है, कहाँ कहाँ जाना पड़ रहा है। हेलो, इतना टाइम वेस्ट करके, इतना लंबा रूट लेके IVF का किट इंस्टीट्यूट, नाकेट इंस्टीट्यूट इज बंद, तो सारा खाऊ गली बंद है। सो मोर देन एन आवर वी हैव ड्रोव और कुछ खाने को नहीं मिला अभी तक। यहाँ पे कुछ एक दो स्टॉल तो खुले हैं, तो बादाम शेक वगैरह कौन सी तो सामने कबाब कबाब वो शेक रहे। किट जल्दी से खुल जाओ ताकि लोगों को खाने मिले, ऐसा मत करो प्लीज। यहाँ पर क्या है? अच्छा, सैंडविच है, मोमो है, पुचका है, और यहाँ पर तो बहुत कुछ है खाने के लिए। ओह वाओ, वेज मंचूरियन, मोमोज, ओह ही हैज सम काइंड ऑफ स्प्रिंग रोल एज वेल। लेट्स ईट हियर। खुश फूड फैम ने गलत इन्फॉर्मेशन दिया, मैं सही जगह लगा। दैट्स ट्रू। थैंक यू, ये पहले ही लाइट जलाना चाहिए था आपको, बोले नहीं आपके पास लाइट है। ये फाले है, वो टाइप ये खाया हुआ है अभी, ये ही खाऊंगी। अच्छा, इसमें पनीर और चिकन दोनों है? इसमें पनीर है, ये चिकन, ये पूरा चिकन है, स्प्रिंग रोल। अच्छा अच्छा, चिकन वेज, यहाँ पनीर, ये चिकन, ये मेरा यहाँ पर चिकन है एक प्लेट। इसका एक प्लेट का प्राइस 60, जिसमे टू पीसेस है। ओके, और यहाँ पर एक प्लेट मोमो का प्राइस 80 और 12 पीसेस। बाबा, टू मच पीसेस, स्टीमी हॉट। हाँ हाँ, दे दीजिए भैया। कहना है कि मतलब हाफ प्लेट, छह पीस मिल सकता है? हाँ हाँ, छह पीस ही दीजिए, 12 पीस बहुत ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, मेयोनी और रेड चिली सॉस। ये रेड चिली वाला कौन सा पिसा हुआ रेड चिली सॉस है क्या? हाँ जी, ये गार्लिक का फ्लेवर भी है। ओह, थोड़ा गार्लिक का फ्लेवर भी मिलेगा, दे दीजिए। आपका लगेगा। So when it comes to street food, so Bhuvaneshwar there are total of 4 to 5 places, जिसमें से Kid Square is one, then Ram Mandir Khaugali is second where we gonna go next. ये मेरा spring roll यहाँ पर आ गया है, so यहाँ पर we have got the spring roll and we have got the momos. So जैसे कि मैं street food lane का बता रही थी, Ram Mandir, Infosys Road हो गया, ऐसे बहुत सारी जगह है, so मेरे लिए एक दिन में तो इतना cover करना possible नहीं है, so here I'm gonna eat few, so let's dig into the chicken momos. And this looks quite good to me. It's good filling, huh? It's like normal minced chicken with salt, pepper, seasoning. और ये वाला जो चटनी है, ये chili and garlic का चटनी है. Wow, looks tempting. It's a very simple yet soulful, steamy momo. Like chutney is adding a lot of flavors. Chutney is the game changer of the dish. अच्छा filling. Let us try with the mayonnaise and the chutney. Spicy mayo dip ban gaya. So now we will try the chicken spring roll. Iske andar jaise ki mereko jo filling dikh raha hai, there is fried chicken ka chunk, there is cabbage and carrot bhi hai shayad. Yes. With the spicy chutney and the mayo dip. Wow, super delicious. Spring roll is very nice, very nice. It's better than the momo. Very nice. The outer sheet is crispy, oily, savory, and under iska chicken aur jo carrot aur capsicum aur pyaaz ka jo filling hai na, it's just basically simply saute with you know, I think with a dash of soya sauce, vinegar or salt, pepper dala hoga, zyada tamjham nahi hai. It's simple, elegant, and tasty.
नहीं स्ट्रीट स्टाइल में जैसे बहुत तमझम कर देता है ना, बहुत ज़्यादा मसाला वसाला, बहुत ज़्यादा सॉस वॉस डाल के, वैसा नहीं है, सिंपल सोलफुल। यहाँ पर आपको बिरयानी बॉक्स मिलेगा, यहाँ पर आपको एक कलिंगा कैफे मिलेगा जहाँ पर नो अनियन नो गार्लिक नथिंग। ये किड्स स्क्वायर इज गुड, लाइक हैपनिंग, स्टूडेंट फ्रेंडली एरिया है यहाँ ये। ओ बिरयानी भोज, यहाँ बिरयानी बहुत खाता है लोग यार। दिल्ली वाले के पास क्या है? राज कचौड़ी तो आई डोंट नीड। ये क्या है? चिकन तंदूरी मोमो, डिलीट डिलीट। अच्छा धनिया पत्ता की चटनी, और वो कौन सी चटनी है? ये हो गया पुदीना। अच्छा सेजन सॉस, सेजन चटनी। और मेयोनीज भी डालते हैं क्या इधर? सब सब सब। यहाँ मेयोनीज बहुत खाते हैं लोग मोमो के साथ। सो ये आ गया हमारे पास चिकन तंदूरी मोमोस। वैसे मैंने अभी मोमो खा लिया है, बट फिर भी ये खाना है क्योंकि कुछ डिफरेंट था। अंदर का फीलिंग का नहीं पता, बट आउटसाइड क्रस्ट इज सुपर सेक्सी, बहुत अच्छा लग रहा है खाने में। यार ये चीज़ है यार, मोमोज बहुत ज़्यादा देते हैं यहाँ पर। कितना? 1, 2, 3, 4, 5 पीसेस ना, 5। हाँ साइज ये छोड़ दो, उसका मोमो कितना ज़्यादा था, 6 पीस में 40 रुपीज़ में। बट ये बहुत अच्छा टेस्ट कर रहा है, बहुत अच्छा है। द चार टेक्सचर ऑन टॉप इज लाइक थोड़ा जला जला टेस्ट आ रहा है, एंड देन दिस इज लाइक हल्का क्रिस्पी, हल्का सॉफ्ट, एंड अंदर का फीलिंग है इसको सुपर सॉफ्ट। चिकन का फीलिंग भी बहुत अच्छा है, लाइक इट्स गुड। एक पुदीना चटनी और इसके साथ खा के देखते हो। समोसा चाट, एक समोसा चाट दे दो। Oh, you eat and tell, how's it? Vegetarian food fam के लिए Zuzu खाएगा samosa shot, and Varun बताएगा कैसा है? जनता wants to know, बताइए diet kiss और kit दोनों same है? Flavorful है, like हम तो पहला बार देखा कि डीडेक कोई उस पर किया तवा पे, तो उसके बाद भी like samosa का crispiness नहीं गया। आपने कहा इसमें flavors है, क्या क्या flavors है? मीठा चटनी, वो तो आप देख के बता रहे हैं, फ्लेवर्स क्या चीज का है? समोसा का आलू, जब तक रहेगा समोसे में आलू। तेरा रहूंगा, तेरा रहेगा वो शालू, क्या गाना था? छोड़ दे, आप एंजॉय करो, एंजॉय। इस जगह का नाम क्या? फोर्क एंड स्पून है क्या? बेसिकली दिस इज द स्टूडेंट फ्रेंडली एंड स्टूडेंट मोस्ट लव्ड बाई स्टूडेंट्स एंड एवरी वन, आई थिंक बेसिकली यंगस्टर्स, गुड प्लेस। वॉट इज दिस? ओह रोस्टेड चिकन, हाय कैन यू सी मी? यस। ओह वाओ सुपर डिलीशियस। ओह आई विल ईट प्रॉन्स क्यूअर्स। ओह कलेजी कलेजी, सुपर टेम्प्टिंग। चलो
तेरा नहीं है यार। अरे मेरे को ना वो खाना था, प्रॉन्स क्यूअर्स और कलेजी। तू प्रॉन्स। सो नाउ लेट्स ट्राई द शवरमा रोल। ना एक बेस्ट पार्ट है कि इसमें ये रुमाली रोटी डाल के बनाया हुआ है। एंड अभी तक हम लोग से प्रोटीन नहीं, काब्स खाए हैं, मोमोज खाए हैं, मोमोज में मैदा था, काब्स खाए हैं। हाँ, सो ये इसका प्रेपरेशन तो काफ़ी टेम्पटिंग था, खा के देखते हैं। बड़े प्यार से, बड़े मेहनत से भैया ने बनाया है इसको। सो नाउ लेट्स डिग इन। This is so good. However, it's only tasting chicken and chicken. Shawarma mein they have put mayonnaise, but it's only tasting ki kisi ne stuffed chicken tikka masala dal diya rumali roti ke andar. It's completely like Indian version of shawarma. Shawarma, I will call it as chicken tikka rumali roll, but it's good. It's super delicious. Nimbu hota na, wo maza aata. Bahut chicken hai. Har ek bite mein chicken aur masala aa raha hai. Bhaiya, ye de do na ye wala. Ye kya bhaiya? Kota aata, ek kaleji aur ek prawn. One. Woohoo! This is pota. This is kaleji. We had in Jharkhand. Rachi we had. Yeah. Woohoo! We have got the skewers. Super delicious. Delicious. So, sabse pehle I'll try the pota kaleji. Wow, this is so good. Chewy, halka jala, khatta, soft, masaledar. It's my favorite. I love this. Let's try the prawn. With the chutney. इस ट्रिप में हम लोग बहुत सी फूड खाने वाले हैं, बहुत मछली खाने वाले हैं। अभी तो आगे और आने वाले एपिसोड्स में मैं सिर्फ फिश खाने वाली हूँ। वाओ, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, जो प्रॉन का जो शेल है ना, जो ऊपर का स्किन, इसको नहीं खोला है, उसको खाने में बड़ा मजा आ रहा है। व्हेन आई एम च्यूइंग इट नाउ, इट्स वेरी क्रिस्पी, चार टेक्सचर का जला जला फ्लेवर है, फ्लेवरफुल। ना लास्ट मेरा और सिंजू का फेवरेट, दैट इज मेटे, विच इज कलेजी। मेटे में वो पंच नहीं आ रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ द रीजन मेटे का खुद का टेस्ट, यू नो, थोड़ा सा हल्का सा, कैसे बताऊँ, हल्का हल्का कड़वा होता है उसका खुद के फ्लेवर्स, तो ऊपर का वो बैलेंस आउट नहीं हो पा रहा है। इट्स लाइक ओके, बट दिस वन वाज फैबुलस। इसमें नींबू डालता ऊपर से तो मज़ा आ जाता। नींबू नहीं, अब अच्छा लगेगा शायद। दिस इज सो नाइस। मटन है क्या? चिकन है, एकदम मटन की तरह लग रहा है, भुंजा भुंजा एकदम मस्त। अभी पेट में जगह नहीं है खाने का, बट डेफिनेटली इफ यू एवर कम टू दिस प्लेस, तो ये वाला जो दुकान था जहाँ पर हमने खाया, ये दिस विच इज द प्लेस, फोक एंड स्पून, डेफिनेटली ट्राई दिस बिरयानी, उन्हीं का है ना। इसमें क्या है? इसमें बिरयानी के साथ घोल, ओ दही, ओके, दिस इज बिरयानी के साथ रायता, जिसको हम कहते हैं घोल। वाओ, मिर्ची, धनिया पत्ता एंड प्याज, वाओ। और इसके अंदर खत्म, बिरयानी खत्म, ओके, ये बिरयानी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, आप देख ही सकते हैं, 8 बज रहा है, बिरयानी खत्म। और ये लोग प्रार्थ कर रहे हैं प्राची से। हेलो हाय, तू ही खा पनीर, हम लोग चिकन खा रहे हैं।
सो थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको ये सारे ब्रांडेड आउटलेट्स मिल जाएंगे, लाइक करीम से बर्गर किंग है, वाव मोमो, बिट्टू भैया का फेवरेट वाव मोमो, डोमिनोज, केवेंटर्स। यहाँ पे लाइन से काफी खाने का है, मतलब आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, काफी कुछ है, सब कुछ खुला भी है मोस्ट इम्पोर्टेंटली। सो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अनदर खाओ गली। यहाँ पर भी काफी ज्यादा शॉप्स है खाने के एंड थोड़ा सा यू नो ऑर्गेनाइज्ड वे में है। मेरे को लगता है यहाँ पे सब वेजिटेरियन है क्या, यहाँ तो बजरंगी मोमो, चाट, 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 वेज फास्ट फूड एंड डोसा, वो रोल है, तो सब वेजिटेरियन दिख रहा है। चाट एंड चाट एंड चाट एंड चाट एंड चाट एंड चाट। चाटा खाएगा तू? स्टार्टिंग से लेके एंड तक में आ गए, इट्स ऑल मोर ऑर लेस सेम, चाट, डोसा, कबाब, वेज कबाब, यही सब है। अभी हम लोग वो सब खा चुके हैं, आई डोंट वांट टू रिपीट द सेम। सो अगर आप उतना दूर नहीं जाके खाना चाहते हो तो आप यहाँ पर भी आके खा सकते हो, दिस इज मोर ऑर्गेनाइज्ड एरिया। स्टूडेंट फ्रेंडली जगह था, ये यहाँ पर आप फैमिली के साथ आके आराम से गाड़ी पार्क करके खा सकते हो, दोनों का अपना अपना यू नो यूएसपी है। आप ही हम लोग उस फुट पे थे, उस फुट पे मेरे को ऐसे कुछ डिफरेंट नहीं दिखा, राइट हियर एकदम अपोजिट फुट पे यहाँ पर काफी ज्यादा स्टॉल दिख रहे, तो यहाँ पर मेरे को एक दो कुछ कुछ आइटम डिफरेंट दिखे। सो लेट्स सी एंड एक्सप्लोर व्हाट ऑल आई कैन ईट हियर। सो यहाँ पे एक स्टॉल देखा जहाँ पर यू आर गेटिंग अमेरिकन, लाइक सो बेसिकली वेजिटेरियन स्टॉल है ना आपका, अमेरिकन कॉर्न चाइनीज फ्राई में, पास्ता फ्राई में, मतलब पास्ता सॉस में डाल के बना के देंगे, बट व्हाट एक्साइट्स मी इज समथिंग लाइक दिस व्हिच इज द पनीर साथे। ये दे दीजिए भैया, ये एक प्लेट दे दीजिए, समथिंग आई शुड ईट फॉर माई वेजिटेरियन फूड फॉर्म एज वेल। अभी हमने इतना चिकन और कबाब और ये खाया है तो कुछ वेज खाते हैं। दिस आर द स्क्यूअर्स, लुक्स वेरी टेम्पटिंग, और कैप्सिकम अनियन के साथ इसको मसाले में एकदम से अच्छे से मैरिनेट करके रखा हुआ है, तो इसको यहाँ पर अच्छे से सेक ले रहे हैं। एक प्लेट भैया, एक प्लेट हाँ, खाना है खाना है खाना है। ये कौन सा चटनी है? सेजवान सॉस है, ओके थैंक यू। तो चलिए अब हम खाते पनीर साथे विद सेजवान सॉस। बड़े प्यारे तरीके से भैया ने उस कढ़ाई में एकदम आग निकाल के दिया खाया, दैट वाज सुपर डिलीशियस एंड टेम्पटिंग, डेंजरस टू। इतने छोटे छोटे चंक्स डाले ना, इट्स वेरी सॉफ्ट एंड जूसी, एंड द फ्लेवर्स जिसमें इन्होंने मैरिनेट किया दैट्स चाइनीज फ्लेवर्स, और वो चाइनीज फ्लेवर जब ऐसे बर्न हो गया, थोड़ा सा जल गया, तो उसका भुजा टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। कॉर्न फ्राई है क्या? अच्छा ये लहसुन के साथ फ्राई किया है? लहसुन का साथ भेजे। अच्छा ये कैसे करके, कितना करके? 50 रुपीज दीजिए तो एक प्लेट खा के देखूंगी। दिस लुक्स समथिंग डिफरेंट, कॉर्न को बहुत अच्छे से यू नो क्रिस्पी तरीके से फ्राई किया हुआ है, आप देखो इसका आवाज एंड उसको किसके लहसुन के साथ फ्राई किया हुआ है। हाँ ये क्या डाल रहे हैं? चाट मसाला, चाट मसाला, सुपर गुड, काफी अच्छा लग रहा है, वाओ लेट्स ट्राई। बहुत अच्छा है, क्रिस्पी चिकन हो जाए ना वैसे ही क्रिस्पी कॉर्न। ओह ऑनियन डाला है हाँ, और ऊपर से सेजवान चटनी, सेजवान सॉस दिया। ओके थैंक यू सो मच, ये बहुत अच्छा, ये बहुत डिफरेंट दिखा मेरे को। मैं नॉनवेज भी आता है, वेज भी आता है। हाँ चिकन का जैसे, हाँ बारबेक्यू नेशन, हाँ कोई अंडा भी डालता है। देखो भाई देखो भाई, जैसे आप बारबेक्यू नेशन में कॉर्न खाते हो आपको स्ट्रीट पे ओनली एट 50 रुपीज में मिल रहा है एंड मोर डिलीशियस, एंड देख के भी कितना एपेटाइजिंग लग रहा है, क्वांटिटी भी कितना ज्यादा है। जो जो बारबेक्यू नेशन में हम लोग कॉर्न नहीं खाते हैं वो वाला ट्राई ट्राई मैं टेस्ट की, बहुत अच्छा लग रहा है, गार्लिक के साथ इसको यू नो वो किया हुआ है, फ्राई किया हुआ है। खाबे किचू खाबे खाबर खाबे। So I met a food fam finally, first day, first food fam, what's your name? Haan, really touch le, touch, touch. Come, 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 what's your name? Rashmita Sahu. Rashmi, okay. I was in the house, I saw it. No, use it. So I
मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने ये लिया हुआ था. सो दिस इज टेस्टिंग फार मोर लाइक एग्जैक्टली लाइक बारबेक्यू नेशन का स्टार्टर जो कॉर्न स्टार्टर होता है. एंड दिस इज सो सरप्राइजिंग टू सी दिस आइटम बीइंग सोल्ड ऑन द स्ट्रीट्स एंड एट जस्ट ₹50. स्टिल क्रिस्पी. नो आई वी सपोज टू ईट दिस गार्लिक. लेट्स ट्राई. ओ माय गॉड, ये गार्लिक एकदम क्रीमी हो गया सी. वैसे भी ईटिंग गार्लिक इज गुड फॉर हेल्थ. बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है. भुवनेश्वर इज अ फूडीज पैराडाइज. एवरीवन शुड कम एंड ईट हियर. सो आज के वीडियो का हम लोग लास्ट खाएंगे इस एरिया में, विच इज पुचका. यहाँ लेकिन हम लोग खाएंगे थोड़ा डिफरेंट पुचका. एक हम खाएंगे चिकन पुचका. भैया है ना चिकन पुचका, वो बोल रहे आपके पास वो नहीं है दुकान का. ओ सॉरी 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 सॉरी. चिकन पुचका होगा, नहीं होगा, खत्म. अरे यार कभी आओ तो डेफिनेटली खाना. मैं लास्ट डे जब रहूंगी 15 तारीख को भुवनेश्वर आऊंगी तब मैं ट्राई करूंगी यहाँ पर चिकन पुचका खाने के लिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हैज आस्क्ड मी टू ईट हियर. दूसरा वी विल ट्राई दिस जहाँ पर यू नो देयर इज ऑटोमेटिक सेंसर्ड ये पाइप लगा हुआ है वेयर इन यू टेक पुचका एंड यहाँ पर अपने आप पानी आएगा. सो देयर इज चटपटा पानी, खट्टा मीठा पानी, चिली गार्लिक पानी. खा भी लिया. अरे वाह, स्वीट स्वीट सीमेंट. सो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज गिविंग अस पुचका, मतलब प्लेट में दे देंगे फिर अपना पानी लेके खाते रहो. सो यू कैन सी हाउ ही हैज एब्सोल्युटली मेंटेन द हाइजीन एंड यहाँ पर ही इज द ओनली वन हु इज वेयरिंग ग्लव्स. सॉरी टू से दैट बट यस, यहाँ पर वो कितना, ये कितना करके है? ₹30 में 10 pieces. सो यहाँ पर आप चार्ट भी देख सकते हैं, दिस इज द मेन्यू. यू कैन ऑल्सो गेट दही फुच गुपचुप, बाहुबली गुपचुप, चुरमुर चाट, फ्लेवर गुपचुप, अ लॉट ऑफ थिंग. ग्रेजुएटेड पानीपुरी वाला. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये स्टॉल है एकदम ये लास्ट में ये काउंटर है. ओ दिस इज आरओ वाटर. आरओ वाटर से बनाया हुआ है. हाइजीन एंड हेल्थ का काफी ध्यान रखा गया है इस पुचका में. ओके सो आई विल ट्राई द चटपटा पानी फर्स्ट. ओके कम आएगा. अच्छा ओ यस 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 यस. अरे 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 गिर नहीं जाना. ओके ओके आई विल नॉट टेक मच. दैट्स टू स्पाइसी. पानी का नहीं पता बट इसका आलू का मसाला बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है. इस खट्टा मीठा. ओके ये अच्छे से गिरा. दिस इज रियली गुड. चिली गार्लिक. ओ वाह दिस इज गुड. लाल कलर का पानी है इसमें. फर्स्ट टाइम आई ट्राइड दिस वाटर. दिस फ्लेवर वाटर चिली गार्लिक इज अ मस्ट ट्राई. आई थिंक पहले मैं लास्ट वाला खा लेती हूँ फिर मैं बताती हूँ अपना प्रेफरेंस. यस स्वीट सी मिंट. वाह ब्यूटिफुल. फॉर मी इज डेफिनेटली चिली गार्लिक फर्स्ट, स्वीट सीमेंट सेकेंड, खट्टा मीठा थर्ड एंड फोर्थ इज चटपटा, बिकॉज चटपटा इज स्पाइसी. इट्स सुपर डिलीशियस. आई एम कीपिंग फॉर बिटू भैया बिकॉज आई वॉन्ट हिम ऑल्सो टू ट्राई दिस. इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट. मस्ट ट्राई मस्ट ट्राई. मतलब ऑन द स्ट्रीट यू आर गेटिंग सच डेलीकेसी सच थिंग. वो भी यू नो स्ट्रीट फूड को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना इज अ ग्रेट कॉन्सेप्ट. So this was all about today's episode. Stay tuned for the next one, next place, next city, next food, next cuisine. I don't know what's gonna be next, but it's going to be super delicious. So hum milenge next time. Till then, bye bye and happy eating. Bye bye bye. Nobody is interested because everyone is full. Bye.